डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, टेंथ क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोग एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 8.4 में जो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 8.4 में हम लोगों ने किया है। तो आप देख पा रहे होंगे, पांचवा में टोटली क्वेश्चन जो है प्रूफ करने वाला है। पांचवा में हम लोगों ने 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किया है। चलिए आइए 8 नंबर तक के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पांचवा का जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लाना है, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को ये बराबर के बाद जो होता है वो आरएचएस होता है, और बराबर के पहले जो होता है वो एलएचएस होता है। तो क्यों ना हम लोग एलएचएस से सॉल्व करें और आरएचएस ला दें, क्योंकि हम लोगों को करना क्या है, एलएचएस से चलना है, इसको प्रूफ करते 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 आरएचएस लाना है। चलो आप एलएचएस से चलते हैं, ठीक है। एलएचएस में क्या है भाई, तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर होता है ना, ये एलएचएस में है। अब यहाँ के बाद एक फार्मूला लगाना है, ए हो गया आपका साइन ए प्लस बी हो गया कोसेक ए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए स्क्वायर का मतलब कितना, साइन स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कोसेक स्क्वायर है, प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए कितना, साइन ए, बी कितना, कोसेक ए। ये इसको हम लोग तोड़े तो आया, फिर यहाँ पे प्लस है। अब आप इसको इसको तोड़िए, बाद वाला भी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ए के जगह पे कोसे है, बी के जगह पे सेक है। तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर है, प्लस टू ए बी, तो टू इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। देख लो, अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुना करते हैं तो कितना आता है, वन, और कोसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा को गुना करते हैं तो वन आता है, ठीक है। और एक और फार्मूला जानते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं तो वन आता है, क्लियर। तो आप करेंगे क्या कि सब तो एक ही साथ है, तो ये देखिए साइन स्क्वायर ये यहाँ पे है, कोस स्क्वायर ये यहाँ पे है, तो ये दोनों के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना वन। ये वन किसके जगह पे, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए के जगह पे वन लिख दिए। उसके बाद प्लस में क्या है, प्लस में कोसेक स्क्वायर ए है, ये वाला लिख दिए, प्लस टू का तो टू है यहाँ पे, और साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो साइन और कॉसेक ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, वन। ये साइन ए है और कॉसेक ए है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे वन होता है। देख लीजिए फार्मूला होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू वन, फिर कितना, तो ये तो कॉस स्क्वायर इसका इसके साथ काम हो गया, प्लस कितना, तो सेक स्क्वायर ए, फिर कितना, तो प्लस सेक स्क्वायर ए, ये तो हो गया सेक स्क्वायर ए, प्लस टू इंटू ये कॉस ए इंटू सेक ए का वैल्यू वन। तो कुल मिलाकर कितना आ रहा है हम लोगों को,
तो वन का तो वन लिख दिए, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये वन पहले ऑलरेडी है और इसके जगह पे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना, कॉट स्क्वायर ए प्लस में टू इंटू वन कितना टू, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए यहाँ पे लिख सकते हैं वन प्लस हम लोग टेन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में कितना टू। अब देख पा रहे होंगे कि सबको हम कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसके जगह पे वन प्लस कॉट लिखा स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का होता है वन प्लस टेन स्क्वायर है, और टू इंटू वन टू, टू इंटू वन टू, टू 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 फोर, फोर टू सिक्स और एक सेवन, तो यहाँ आ गया सेवन प्लस ये टेन स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को टेन स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, तो सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए सबको एक साथ लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को आर एच एस आ गया और प्रूव हो गया। तो सिंपल वे में आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन में, नाइन नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और फिर देखते हैं कि उसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो पांचवा का नाइन नंबर में क्या प्रूव करना है देख लीजिए, क्वेश्चन है नाइन नंबर में बोल रहा है कि कॉस एक ए माइनस साइन ए का ब्रैकेट है, फिर से ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कॉस ए, और लाना क्या है तो वन बाई टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, ये हमें लाना है। तो सिंपल सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, तो कॉस ए के माइनस साइन ए ब्रैकेट ब्रैकेट सेक ए, सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू वन बाई टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, टेन ए प्लस कॉट ए, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, क्या लाना है भाई, तो वन बाई टेन ए प्लस कॉट ए। क्लियर, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम कि एल एच एस से सॉल्व करेंगे, एल एच एस और आर एच एस दोनों को इक्वल करना है, तो आप एल एच एस से चलिए, एल एच एस से। ठीक है, एल एच एस से क्या होगा, तो एल एच एस में है कॉसेक ए माइनस साइन ए का ब्रैकेट, और फिर से इंटू है ना ब्रैकेट, सेक ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे देख लो कॉसेक ए का फार्मूला क्या होता है, तो कॉसे का फार्मूला होता है वन बटा साइन ए, ये फार्मूला हम बताए थे कि कॉसेक थीटा रहता तो वन बाई साइन थीटा इसकी जगह पे लिख सकते हैं फार्मूला के हिसाब से, और माइनस ये साइन ए है तो इसको लिख सकते हैं ना भाई साइन ए बटा में वन, तो अपने तरफ से भी दे सकते हैं। अब ये ब्रैकेट हो गया, फिर से ब्रैकेट, अब सेक थीटा के जगह पे हम आपको बताए हुए हैं कि इसके जगह पे आप कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा के जगह पे वन बाई कॉस थीटा, तो सेक ए है तो वन बाई कॉस ए हो जाएगा, और माइनस ये सिर्फ कॉस ए है तो यहाँ सिर्फ कॉस ए बाई वन लिख सकते हैं ब्रैकेट। करना क्या है, अब साइन ए और वन को एलसीएम लेना है, तो साइन ए और ए का एलसीएम कितना होगा साइन ए, साइन ए और वन का एलसीएम साइन ए, साइन ए से साइन ए कितनी बार में कटेगा एक बार में। ठीक है, तो एक हो जाएगा, और माइनस वन से साइन ए मल्टीपल से डिवाइड करेंगे तो साइन ए, और इस साइन ए को साइन ए से मल्टीपल करेंगे साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर है, और फिर यहाँ से ब्रैकेट कॉस ए और वन को एलसीएम लेंगे तो कॉस ए। ठीक है, कॉस ए कॉस ए कितनी बार में कटेगा वन
माइनस कॉस ए से को फिर कॉस से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस वन माइनस साइन स्क्वायर के उल्टा भी हम लोग फार्मूला रख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए बटा में कितना साइन ए इंटू यह है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो एक और फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस वन माइनस कोस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कॉस है। अब ये एगो कॉस कटेगा, एगो साइन कटेगा, तो क्या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए, ये हम लोगों को एल एच एस से बना। तो देखिए कभी कभी करना क्या पड़ता है कि जब हम लोगों को प्रूफ करना पड़ता है तो एल एच एस को अलग से सॉल्व करते हैं, आर एच एस को अलग से सॉल्व करते हैं। अब एल एच एस का वैल्यू और आर एच एस का वैल्यू अगर बराबर होता है तो अभी हम लोग प्रूफ कर देते हैं। तो एल एच एस से कितना आया कॉस ए इंटू साइन ए। अब आप चलिए किससे, तो आर एच एस से, ठीक है आर एच एस से। तो आर एच एस में क्या है, तो आर एच एस में दिख पा रहा होगा वन बाई टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए वन बाई, इस टेन का फार्मूला क्या होता है, तो टेन का होता है साइन ए बट्टा कॉस ए, और प्लस इस कॉट का फार्मूला होता है कॉस ए बट्टा साइन ए, ठीक है। तो इस कॉट ए का फार्मूला लिख दिया कॉस बट्टा साइन, और इस टेन का फार्मूला होता है साइन बाई कॉस, उसको रख दिया। अब हम लोग नीचे वाला को क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो कोस और साइन का एलसीएम कितना होगा, तो साइन ए कोस एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ से कोस कटेगा तो साइन बचेगा, यानी कि आप उसके आगे देख पाएंगे। तो हम लोग वन बटा तो है ये है, और नीचे में साइन ए और कोस ए को एलसीएम ले लिए, तो साइन ए और कॉस ए एलसीएम लेंगे, तो कॉस ए से कटेगा, तो साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस साइन से साइन कटेगा तो यहाँ बच जाएगा कोस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं कि नीचे वाला जो होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो साइन ए कोस ए जब ऊपर चला गया तो वन से गुना होगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए इंटू में वन, तो वन से गुना करेंगे तो वही होगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का वैल्यू खुद होता है वन, यानी कि ई फार्मूला पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है वन। तो नीचे हम लोग कर दिए वन, इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, इसलिए हम लोगों को क्या हो गया है प्रूव्ड हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम लोगों ने 8 और 9 क्वेश्चंस को प्रूव किया, एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसमें से हम लोगों को 3 पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट को क्या करना है बराबर दिखाना है, ठीक है। तो 10वें नंबर क्वेश्चन इज लास्ट है, और फिर हम लास्ट करेंगे अगले दिन। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।